मध्य प्रदेश के धार जिले की धर्मपुरी तहसील के छोटे से गांव लहनेरा खुर्द में रहने वाले जयंतवर राजपूत ने वो कर दिखाया जो आम आदमी के लिए चौंकाने वाली बात है। निमाड़ के क्षेत्र में लोग डॉक्टर इंजीनियर आदि बनकर आए हैं, लेकिन इन्होंने कुछ अलग कर दिखाया है। तवर दिव्यांग हैं, लेकिन फिर भी उनके हौसले कम नहीं हैं और इन्होंने गाजियाबाद यूपी में आयोजित हुए फैशन शो में हिस्सा लेकर खिताब जीता है। यूपी के गाजियाबाद डिजिटल स्टोर ऑफ इंडिया के नाम से आयोजित हुए फैशन शो में जयवंतर राजपूत ने मॉडल्स के साथ अपनी विकलांगता को दूर रखते हुए रैंप वॉक किया और आम लोगों को एक संदेश दिया कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। राजपूत को इस फैशन शो में बेस्ट फैशनेबल मॉडल अवार्ड से नवाजा गया, साथ ही MP मॉडल्स के नाम से भी स्पेशल अवार्ड दिया गया। इस दौरान वहाँ पर मौजूद जजों ने उनके हौसले की सराहना की। जय राजपूत जी, आप बताइए कि ये अवार्ड कैसे मिला, आप कैसे अवार्ड तक पहुँचे और आप विकलांग होने के बावजूद भी आज ये मुकाम हासिल किया, आपकी लगन मेहनत और ये कैसे जुनून था आपको? सर, मुझे बचपन से ही कुछ अलग करना था, क्योंकि मेरे पैर में प्रॉब्लम होने की वजह से मैं ये नहीं चाहता था कि किसी हर कोई भी विकलांग आदमी ये नहीं चाहता कि उसकी कोई कमी को लेके कोई कमेंट्स करे, तो मेरे पैरों पे नज़र ना जाए इसलिए मैंने अपने आप को एक मॉडल की तरह रखा था कि मेरे फेस पे ही सबकी नज़रें रहें। और यही मेरा जुनून और मेरी मजबूरी भी समझ सकते हो, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि उसे कोई उसमें कमी हो और उस चीज़ को लेके कोई कमेंट्स नहीं करे। तो आपने भी देखा होगा कि किसी अंधे को अंधा या कोई हैंडीकेप्ड है उसे कुछ कहते हैं तो उन्हें थोड़ा हर्ट होता है, तो मुझे उन सब चीज़ों से बचने के लिए अपने आप को एक फैशनेबल लुक में रखा था कि मेरे चेहरे पे ही लोगों की नज़र रहे और पैरों पे न जाए। और यही मेरा जुनून, मुझे सब कहते थे आप कोई मॉडल हो मॉडल, और आज मुझे मॉडल बना दिया और एक डिजिटल स्टार ऑफ इंडिया के इस शो में मैंने पार्टिसिपेट किया और मैंने फैशनेबल मॉडल का अवार्ड जीता। और MP से चूंकि मैं अकेला ही गया था तो मुझे स्पेशल गेस्ट अवार्ड भी दिया गया। अच्छा, ये आप कैसे पहुँचे वहाँ तक, किसके माध्यम से पहुँचे हैं? सर, चूंकि फेसबुक जो लोग कहते हैं कि गलत चीज़ है, बाकी फेसबुक पे ही मेरे कुछ फैशन डिजाइनर्स फ्रेंड थे एंड मॉडल्स थे, उन लोगों ने मेरे बारे में पूछा मेरी पिक्चर्स को देख के, फिर मैंने बताया और मैंने कुछ अपने वीडियोस भी उन लोगों को सेंड किए थे, तो उन वीडियोस को देखते हैं उन लोगों को खुद को प्राउड हुआ कि वो मुझे बुला रहे हैं स्टेज पे जज करके। जजों को मेरे पे प्राउड हुआ कि आपने जो मतलब हिम्मत जताई, एक आम आदमी नहीं जता सकता, तो मैं चाहता हूं कि मैंने ये जो किया है हर आदमी कर सकता है। और कभी भी अपनी हॉबीज, अपने ड्रीम और किसी भी कमी को लेकर कभी भी अपनी हॉबीज को खोना नहीं चाहिए। और ये मेरी हॉबी नहीं, ये मेरा एक जुनून था और ये जुनून मैं आम आदमी को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप में कोई एक्स्ट्रा आर्ट है या आप में कोई अच्छी सी कला है तो उसे उभारिए और आप आगे जाओगे।